मीडिया में डिबेट्स या शोज के जरिए एंकर देश की बात जनता के सामने रखते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स या शोज देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते अपने डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, शतक बनाकर नॉट आउट है किसान आंदोलन। दूसरा, क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तीसरा, झूठे मामलों में फंसाने का सामाजिक और सियासी तंत्र। चौथा, ये आप हैं, ये आपकी जेब है और ये आपकी सिलेंडरी हो रही है। पांचवा, क्या महिला आईपीएस अपने डीजीपी से जीत पाएंगी इंसाफ की लड़ाई। किसान आंदोलन का मुद्दा भले ही अब मीडिया के कुछ चैनलों में दिखाई ना दे रहा हो, पर रवीश जैसे पत्रकार अभी भी इस मुद्दे को लेकर काफी सक्रिय हैं। रवीश ने पिछले हफ्ते अपने शो प्राइम टाइम में किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा भी की। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में किसान आंदोलन ने कितनी ही बाधाएं पार की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली तक ना पहुंच पाए इसके लिए दिल्ली से दूर ही हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, भारी भरकम बोल्डर निकालकर रास्तों पर रख दिया गया, कंटेनर लगा दिया गया। किसी तरह किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचे तो बैरिकेड के ऊपर कटीली तारें लगा दी गईं। इस तरह किसानों को रोकते रोकते सरकार की सोच में छिपी कीलें बाहर आने लगी। जब किसानों को आतंकवादी कहा गया तभी किसान आंदोलन के बीच पोस्टर लगा दिए गए, गोदी मीडिया हमारा कवरेज ना करे, हमें मीडिया का कवरेज नहीं चाहिए। किसानों के जरिए गांव-गांव में ये बात फैल गई कि मीडिया बिक गया है। जिस धर्म की राजनीति को राजनीति समझते थे हमारे किसान, उस राजनीति ने किसानों को इंसान समझने का धर्म छोड़ दिया। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में दिक्कत क्या है। दूसरा, किसान आंदोलन तय करेगा देश की आगे की राजनीति, आंदोलन का बंगाल में होगा असर। तीसरा, आंदोलन के नाम पर सियासत, तो बातचीत कैसे होगी। चौथा, क्या पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से बिहार में हो रही है शराब की बिक्री। पांचवा, सिर्फ चुनाव में ही क्यों याद आता है रोजगार, दामों पर कितने गंभीर है सियासी दल। संदीप चौधरी भी अक्सर देश में चल रहे जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। इस पर उन्होंने भी किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर डिबेट की और इस डिबेट में वे भाजपा नेताओं से सवाल भी करते नजर आए। तो सरकार बातचीत नहीं करेगी, 98 दिन हो गए, 250 किसानों की मौत हो गई, बातचीत कर रही है सरकार, खालिस्तानी भी बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया, नक्सलवादी बता दिया, माओवादी बता दिया, प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं पवित्र आंदोलन है, राजनाथ सिंह कहते हैं भगवान है, तो ये कंफ्यूजन हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही, योगेंद्र जी जैसे आंदोलन जीवी बैठे हैं जिन्होंने जो है ये आंदोलन टूरिज्म चला रखा है। अच्छा, ये आंदोलन टूरिज्म है, इनको नहीं पता। बिल्कुल आंदोलन टूरिज्म है इनका, पूरे देश में इन्होंने नाराजगी फैलाने की कोशिश की है। अच्छा। और जनता नकार चुकी है इस चीज को। तो जो आंदोलन करता है प्रकाश चंद्र शर्मा, जो आंदोलन करता है तो आंदोलन करके देश को आजादी दिलाई महात्मा गांधी, वो दरअसल अनार्किस्ट थे। जेपी आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति हुई देश में, और आज आपके जितने बड़े नेता हैं जिसमें खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी भी भूमिगत हुए थे, किताब भी लिखी थी आंदोलन कैसे होते हैं, आंदोलन के मायने क्या होते हैं, तो ये सब अराजक तत्व थे। अब बात करते हैं गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, आंदोलन के नाम पर मुहावरों का वार जांच पर। दूसरा, बंगाल में योगी का रामबाण, गृह युद्ध में फंसी कांग्रेस। तीसरा, हर बात में सियासत, कांग्रेस की आदत, सियासत के फुल डोज। चौथा, 5 राज्यों की बिसात में किसकी शह किसकी मात। पांचवा, पीएम मोदी ने निभाया वादा, नीरव मोदी वापस आएगा, कोई चोर नहीं बच पाएगा। अमीश की डिबेट्स अक्सर विपक्ष पर निशाना साधती हैं। इस बार के डिबेट्स में भी ज्यादातर सवाल विपक्ष से ही होते दिखाई दिए। देखते हैं उनकी एक डिबेट और जानते हैं कि क्या वे उस मुद्दे पर जानकारी भी दे रहे हैं या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन ली, पहली की पहली डोज ले ली है। बड़ी बात यह है कि तय नियम के मुताबिक अपनी उम्र के लोगों की बारी आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह टीका लगवाया। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री सुबह ही एम्स पहुंच गए, यहां तक कि पीएम ने सुरक्षा रूट भी नहीं लगवाया।
और सुबह 6:25 पर जब प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लग रही थी उस वक्त पीएम बेहद सहज अंदाज में दिखे, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सियासत दिख गई। प्रधानमंत्री मोदी को पुडुचेरी की नर्स निवेदना ने वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाते समय मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी और वैक्सीन लगवाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के गले में असम का गमछा था। इन सबको मिलाकर कांग्रेस ने सियासी खिचड़ी पका दी। कांग्रेस ने पुडुचेरी, केरल और असम को के चुनाव को लेकर इसे जोड़ दिया। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश के लिए जरूरी समझा। पहला, पाकिस्तान को अब दवा और दुआ की जरूरत क्यों? दूसरा, बच्चों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ क्यों बनाया हथियार? तीसरा, तो 46 साल बाद फिर क्यों आई याद? चौथा, बंगाल में जीत का योगी मंत्र। पांचवा, विश्वास की वैक्सीन से भ्रम दूर, क्या कहेंगे विपक्षी? दीपक चौरसिया की डिबेट ज्यादातर हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ही चर्चा करती दिखाई देती है। देखते हैं वे इस बार पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर हुई डिबेट में क्या कह रहे हैं। सवाल ये है, पाकिस्तान को अब दवा और दवा की जरूरत क्यों पड़ रही है? पाकिस्तान कोविड के मामले में कोई नियंत्रण नहीं, कोविड को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं, कितने लोग हलकान है कोई नहीं जानता। थोड़ी सी वैक्सीन की खेप चीन से मिल गई है, वो भी उधार खाते में, वो भी एहसान जताते हुए, लेकिन अब उसकी उम्मीद भारत से है, मांगा नहीं है, भारत से उम्मीद कर रहा है कि भारत दे देगा। भारत क्यों दे, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल उससे बड़ा पाकिस्तान की राजनीति में और है कि कल क्या इमरान खान अपनी सत्ता बचा पाएंगे। एनपीए में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है, इमरान खान को साबित करना है कि वहां का नेशनल पार्लियामेंट असेंबली जो है, वहां की नेशनल पीपल्स असेंबली यानी वहां का संसद, उसमें उनके पास बहुमत है। इस बीच क्या हो बड़ी है कोरोना के वैक्सीनेशन की कंट्रोवर्सी और क्या होगा अंधेर नगरी चौपट राजा का, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमने आपको दोनों तरह के मीडिया में हो रही डिबेट के बारे में दिखाया है, अभी आपको तय करना है कि आपको किस तरह का मीडिया देखना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।